हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइस, एनटीए से आपको एक बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी खुशखबर आई। वो कौन सी है ये देखते हैं कि एनटीए यूजीसी नेट ईयर में दो बार एग्ज़ाम लेते, मतलब जून में और एक दिसंबर में। लेकिन पिछले साल 2020 में एनटीए ने क्या किया था, ओनली वन एग्ज़ाम लिया था जो हमारा नवंबर दिसंबर में होता। लेकिन जून का एग्ज़ाम है जो जून का, वो कैंसिल हुआ था। क्यों कैंसिल हुआ था आपको सबको ही पता है, बहुत कोविड था उसकी वजह से वो कैंसिल हुआ था। सो गाइज, जो हमारा 2020 मतलब पिछले साल जो एग्ज़ाम नहीं हुआ था जून का, वो एग्ज़ाम न होने के कारण इस साल मतलब 2021 में एनटीए ने एक नोटिफिकेशन जाहिर किया है। एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप जाकर देख सकते हैं और उसका एक स्क्रीन शॉट मैंने इस वीडियो में भी डाला है, ये वो क्या नोटिफिकेशन है। सो गाइज, जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था जून का, वो एनटीए कब लेने वाला है, मार्च में। मार्च कब, 2021 में एनटीए का मार्च में एग्जाम होने वाला है। वो नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं हम, उसी तरह उसमें सब है क्या क्या इन्फॉर्मेशन है देखते चले। सो गाइज, एनटीए का एक नो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप स्क्रॉल करके नीचे देखेंगे, ये देखिए थर्ड पैराग्राफ पे वो आपको देखना है कि एनटीए ने क्या कहा है। तो एनटीए क्या कहता है, देखिए, यूजीसी नेट कंडक्ट ट्वाइस इन एवरी ईयर, मतलब दो बार एग्जाम होता है। हाउएवर इन 2020 ड्यू टू पैनमेटिक इन द जून 2020 एग्जामिनेशन गॉट डिले एंड वॉज डिफर टू सेप्टेम्बर 2020 अंटिल नोवेम्बर 2020 टू कवर ऑल सब्जेक्ट्स। डिसम्बर 2020 साइकिल हैड टू बी पोस्टपॉन्डेड, मतलब जो हमारे एग्जाम की साइकिल थी वो पोस्टपॉन्डेड हुई थी। एंड ये हमारे लिए बहुत मायने। नाउ बींग कंडक्ट इन मार्च, आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्च में, मतलब ये देखिए लास्ट शब्द, मार्च अप्रैल में हम क्या करेंगे, एग्जाम लेने वाले। सो क्या कहा एनटीए ने कि मार्च में हम एग्जाम लेने वाले हैं। सो गाइस, अब इसके एग्जाम फॉर्म कब छूटने वाले हैं सब इन्फॉर्मेशन एनटीए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर दे देंगी। लेकिन उससे पहले एनटीए का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है ना, आपको ये इसलिए कि जो आपका सब्जेक्ट का स्टडी चल रहा है उसमें आपको एक ऐसा, मतलब ऐसा नहीं होने दें, कंसिस्टेंसी बनाए रखने, जो हमारा नवंबर दिसंबर अटेम्प्ट के लिए हम स्टडी कर रहे थे उसको ही आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। क्योंकि मार्च में ये देखिए, मार्च में उन्होंने दिया है मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाला है। सो होने वाला है नहीं, ये तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप ऑफिशियल जो PDF आती है उनकी, तब हमको पता चलेगा। लेकिन उसमें नोटिस दिया है ना, तो एग्ज़ाम होने वाला है, और एग्ज़ाम होने वाला है मतलब उसके फॉर्म भी छूटने वाले। तो एग्ज़ाम के फॉर्म कब छूटने वाले, इसके फेब्रुवरी में भी, फेब्रुवरी में छूटने वाले। तो फेब्रुवरी में अगर नहीं छूटे फॉर्म तो समझ लेना कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। लेकिन जब आप फेब्रुवरी में एग्ज़ाम छूटने में, तो एग्ज़ाम होने वाला है। तो गाइज, और एक, जब अभी एग्ज़ाम मार्च में होगा, मतलब इस साल तीन बार एग्ज़ाम हुए थे नहीं, तो एग्ज़ाम ये मार्च में हुआ, तो जून का एग्ज़ाम होने वाला है नहीं, और दिसंबर का एग्ज़ाम होने वाला है नहीं, या अभी तक एनटीए की तरफ से कुछ भी नोटिफिकेशन इसके बारे में नहीं आया। लेकिन एग्ज़ाम मार्च में होने वाला है, तो इसका नोटिफिकेशन एनटीए की तरफ से आया है। तो गाइस, आपको यही करना है कि स्टडी जो आप कर रहे हैं उसको कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, और जो आपने अपॉर्चुनिटी खो दी थी, मतलब आपकी तरफ से जो एनटीए का GRF हो या नेट हो, जिन्होंने नेट क्वालिफाई नहीं किया, और जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है उनके लिए GRF के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप स्टडी को कंसिस्टेंसी बनाए रखकर आप मार्च में GRF कंडक्ट कर ले सकते। सो गाइज, यही था एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट का नोटिस। आप एनटीए UGC नेट इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी ये नोटिस देख सकते हैं। और गाइज, ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ और आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब क्योंकि एनटीए के हम फेवरेट टॉपिक का एक सीरियल देखने वाले, कि जो एनटीए के फेवरेट टॉपिक है उस पर हम वीडियो बनाकर इस चैनल में अपलोड कर देने वाले, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल जाएंगे। लेकिन बस आपको एक काम करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है जाते जाते, बहुत मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। सो गाइज, यही था नोटिफिकेशन, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।